क्या बिहार में सरकारी नौकरी का मतलब केवल शिक्षक ही है या अन्य विभाग में बहालियां नहीं है? वर्षों से बहालियां पेंडिंग है और सबसे बड़ी बात, सरकार के द्वारा हमेशा यह दावा किया जाता है इतना लाख बहाली है, इतना लाख बहाली, 45,000 स्वास्थ्य विभाग में भर्ती आएगा, कुछ भी नहीं आया। कृषि विभाग में आएगा, कुछ भी नहीं आया। ग्रामीण कार्य विकास में आएगा, कुछ भी नहीं आया। पुलिस के क्षेत्र में 42,000 बहालियों की बात चल रही है, लेकिन वो कैसा पाइपलाइन में अटका हुआ है, जो पाइप जो है वो जाम हो गया है, उससे बहाली निकल ही नहीं पा रही। शिक्षक नियुक्ति में बड़ा ही अच्छा उपाय है उनका, 1,00,000 बहाली निकालो, 40,000 ज्वाइन होता है, फिर 60,000 को आगे वैकेंसी में जोड़ दो, फिर 1,00,000 हो जाएगा वो, और दुनिया के सामने कहने के लिए हो जाता है कि बिहार में लाखों लाख बहालियां निकल रही हैं। आप नियुक्ति पत्र बांटते हैं, जो पुरानी बहालियां थी उनको आप ब्रांडिंग करते हैं, दिखाते हैं कि देखिए हमारी सरकार में इनको नौकरी लग गया, लेकिन आपने कभी नहीं दिखाया कि मेरे सरकार में 24,00,000 लोगों को जो हमने रोजगार के अवसर कराया, उपलब्ध कराए, उससे 24 लोग भी लाभान्वित है और इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में लगभग देखा जाए तो 1.5-2 सालों से, खासकर जब महागठबंधन की सरकार 2022 में बनी, रोजगार को लेकर बड़ा ही जोर दिया गया। तेजस्वी यादव भी जब तक डिप्टी सीएम रहे, लगातार ये कहते रहे कि बड़ी संख्या में बहाली आएगी, बड़ी संख्या में बहाली आएगी। बहालियां आई, लेकिन वो केवल शिक्षक के रूप में आई, केवल शिक्षकों की भर्ती की गई। बिहार में देखा जाए तो 3 बड़े शिक्षक के एग्जाम हो चुके हैं, भर्तियां भी हो गई हैं, चौथे परीक्षा को लेकर जो है वो सरगर्मी शुरू हो गई है। लेकिन छात्रों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि लगातार ये प्रश्न कर रहा कि क्या बिहार में सरकारी नौकरी का मतलब केवल शिक्षक ही है, क्या अन्य विभाग में बहालियां नहीं है, वर्षों से बहालियां पेंडिंग है, और सबसे बड़ी बात, सरकार के द्वारा हमेशा यह दावा किया जाता है इतना लाख बहाली है, इतना लाख बहाली है। अब आप देख ले, तेजस्वी यादव भी 17 महीने तक अपने स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 से अधिक बहालियों को लेकर ढिढोरा पीटते रहे, सरकार से भी बाहर हो गए। वही नीतीश कुमार को देख लें, लोकसभा चुनाव के दौरान जो है हर एक मंच से एक ही भाषण देते रहे कि हम जो हैं 10,00,000 सरकारी नौकरी इतना दे दिए हैं, इतना प्रोसेस में है, इतना रोजगार, सब कुछ दे रहे हैं। 15 अगस्त को भी उन्होंने वादा किया कि 12,00,000 सरकारी नौकरी देने के बाद ही हम विधानसभा चुनाव में जाएंगे, लेकिन बहाली जो है वो आ कहाँ रहा है? स्वास्थ्य मंत्री का देख लें आप, 7 जून को उन्होंने वादा किया कि 45,000 स्वास्थ्य विभाग में भर्ती आएगा, कुछ भी नहीं आया। कृषि विभाग में आएगा, कुछ भी नहीं आया। ग्रामीण कार्य विकास में आएगा, कुछ भी नहीं आया। पुलिस के क्षेत्र में 42,000 बहालियों की बात चल रही है, लेकिन वो कैसा पाइपलाइन में अटका हुआ है, जो पाइप जो है वो जाम हो गया है, उससे बहाली निकल ही नहीं पा रही। सचिवालय सहायक का देख ले, अलग अलग दावा किया जाता है कि अब आएगा तब आएगा, लेकिन कोई सूचना नहीं। आप बीएसएससी के द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा को देख ले, 1 साल फॉर्म भरते हुए होने जा रहा है, परीक्षा का कोई नामो निशान नहीं है। सिविल कोर्ट एग्जाम का देख ले, 2 साल हो गए फॉर्म डाले हुए, 2 साल से अधिक हो गए, अभी तक कोई एग्जाम का नाम लेवा नहीं है। फिर से आपको हम बता दें, लाइब्रेरियन का 2008 से बहाली नहीं हुआ, छात्र लगातार पटना की सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते रह रहे हैं, कोई सूचना नहीं है उसकी। फिर से आपको हम बता दें, BTSC के अंतर्गत कितने पद हैं जिसको लेकर वर्षों से या तो परीक्षा चल रही है या फिर नोटिफिकेशन के इंतजार में छात्र बैठे हुए हैं। तो देखा जाए तो बिहार में केवल सरकार जो है वो शिक्षक नियुक्ति, और शिक्षक नियुक्ति में बड़ा ही अच्छा उपाय है उनका, 1,00,000 बहाली निकालो, 40,000 ज्वाइन होता है, फिर 60,000 को आगे वैकेंसी में जोड़ दो, फिर 1,00,000 हो जाएगा वो, और दुनिया के सामने कहने के लिए हो जाता है कि बिहार में लाखों लाख बहालियां निकल रही हैं, लेकिन भर्ती कितना हो रहा है? और आप जान लें कि शिक्षक बनने के लिए बिहार में या कहीं भी देश में BEd करना आवश्यक है, CTET स्टेट या जो भी स्टेट का जो होता है पात्रता परीक्षा, वो पास करना जरूरी है। यानी कि हर एक साल लिमिटेड संख्या में कैंडिडेट आ रहे हैं और बहालियों के नाम पर आप लाखों लाख बहाली देते जा रहे हैं, सीटें पूरा नहीं हो रही हैं। लेकिन वही जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, चाहे सिविल सेवा के हों या BPSC के अन्य सेवाओं के लिए हों, BSSC के सचिवालय सहायक के लिए हों, अन्य सेवाओं के लिए हों, पुलिस विभाग में अन्य अन्य सेवाओं के लिए हों, बहुत सारे विभाग हैं,
45 विभाग है बिहार में, क्या शिक्षा विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसमें बहाली है? क्या बाकी 44 विभाग जो हैं वो पूरी तरह से परिपूर्ण है, वहां पर स्टाफ या फिर अफसरों की कमी नहीं है? और बताएं आपको, केवल लॉलीपॉप थमाया जाता है, केवल मंत्री जी आएंगे दावा कर देंगे, कोई सम्मेलन में जाएंगे दावा कर देंगे, इतना आ रहा है इतना आ रहा है। 2-3 महीना हो गया सरकार आचार संहिता खत्म हुए, एक भी बहाली के सूरत में कुछ भी नहीं आया। जब पूछो एक वादा, ये होगा वो होगा, ये ऐसे होगा वैसे होगा, 10 लाख बहाली देंगे, 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और ये दे भी देंगे, ये कागजों में दे भी देंगे बहाली। जैसे कि 2020 से लेकर अब तक 5,16,000 सरकारी नौकरी को लेकर नीतीश कुमार जी ने ही 15 अगस्त को गांधी मैदान के प्रांगण से उन्होंने घोषणा किया। क्या आप मानते हैं कि 2020 से लेकर अब तक 5,16,000 सरकारी नौकरी दे दिए गए हैं? आपको ऐसा लगता है क्या? आपको ऐसा लगता है कि 24 लाख रोजगार के अवसर बिहार में उपलब्ध कराए जा चुके हैं? कौन से वो सेक्टर हैं, कौन से वो लाभान्वित लोग हैं? आप नियुक्ति पत्र बांटते हैं, जो पुरानी बहालियां थी उनको आप ब्रांडिंग करते हैं, दिखाते हैं कि देखिए हमारी सरकार में इनको नौकरी लग गया, लेकिन आपने कभी नहीं दिखाया कि मेरे सरकार में 24 लाख लोगों को जो हमने रोजगार के अवसर कराए, उपलब्ध कराए, उससे 24 लोग भी लाभान्वित है और इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको भी आप सर्टिफिकेट देते। तो बिहार में जो है वो केवल कागजों का काम चल रहा है, आंकड़ों की बाजीगरी चल रही है, एक से एक कांड हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। पुल इतने गिर रहे हैं बिहार में, सड़कें जो हैं वो धंस रही हैं, खराब हो रही हैं, जिसको लेकर केवल महज जो है वो बाजीगरी दिखा दिया जाता है बयानों का। तो आपको बता दें, इस भले सरकार जो है ये मान रही है कि युवाओं का मुद्दा जो है वो मजबूत है, लेकिन उसे वो डिलीवर नहीं कर रही हैं जितना उन्हें करना चाहिए, जितना वो वादा कर रहे हैं। और उन्हें ये भी समझना चाहिए कि ये छात्र हैं, गांव के मतदाता नहीं हैं, जो कि आपके भावनात्मक बयानों में के पीछे लग जाएंगे। इन्हें एक एक चीज़ याद रहता है, एक एक चीज़ पर ये प्रश्न पूछते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि आप जितना वादा कर रहे हैं उसको पूरा करें, वरना चुनाव के समय यही युवा जो हैं आपसे प्रश्न पूछेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कई उम्मीदवारों से छात्र जो हैं वो खड़ा होकर एग्जामिनेशन के लेकर जो है वो प्रश्न कर रहे थे, और विधानसभा चुनाव में इसके बढ़ने की संभावनाएं और बढ़ रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो वोट मांगने जाएंगे उन्हें युवाओं का प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। तो गुजारिश है कि आंकड़ों की बाजीगरी छोड़ी जाए, अगर आप वैकेंसी नहीं निकाल सकते हैं तो मत बोले कि हम इतना बहाली देने जा रहे हैं, अगर आपको बहाली देना है तो उतने सीटों पर बहाली सुनिश्चित करें। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।